हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक। आज बच्चे कम हैं। क्या होता है ना, जब चीजें सिंपल होती है तो उनकी इज्जत नहीं होती है। जो ज्यादा सादा आदमी होता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। कोई बड़ा कठिन होता है, डेंजरस होता है, डरावना होता है, घबराता है। टीचर का भी ऐसी होता है। स्कूल का कोई टीचर बड़ा सादा है तो उसको बच्चे उतना प्यार नहीं करते, बोलते अरे कुछ नहीं करते हम हमको। लेकिन जो टीचर चमकाता है, जो डांटता है, जो जो मैथ्स पढ़ाता है ना, उससे सबको फील आता है कि अरे ये तो बड़े डेंजरस है भैया, है ना। तो इसके लिए ना, वैसे टीचर को ज़्यादा, वैसे ही लोगों को ज़्यादा इज्जत मिलती है, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर, एक मंथ में M2 का सिलेबस खत्म होगा क्या? मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा तो रहा हूँ ना तुमको, मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ उससे तुमको लग रहा है क्या क्या होगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जैसे भी होगा होगा, काहे चिंता करते हो। बाकी ऊपर वाला साथ देगा ना, अपनी अपनी डेडिकेशन को, है ना, अपनी डेडिकेशन को ऊपर वाला साथ देगा। सर 11th के फिजिक्स के लिए कौन सी बुक रेफर करें? बेटा जो है वो पहले पढ़ लो पूरी। सर व्हेन टू स्टार्ट पीवाईक्यूज कभी भी कर लो। जय हिंद बेटा अभिषेक, कृष्णा, श्रेयश, गुड इवनिंग। साक्षी पणि उनके लिए हेलो बेटा। कृपा भी आ गई, कृपा रामेश्वर आ गया। सर ऐसे कुछ नहीं यार, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। नहीं, मुझसे प्यार करते हो? ये कंपैरिजन विद द योर टॉपिक ही बड़ा सिंपल सा है ना, ये इसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं। सर उद्याचा क्लास दुपारी 4 लाख घेता का तुम्ही बोला माला का? अरे उद्याचा क्लास तो शक्य नहीं गई, उद्याचं मी काहीच सांगू शकत नाही। उद्या मागे लग्न आहे, म्हणजे साखरपुडा सॉरी हळद लागणार आहे। मग उद्या गाणं होईल हळद लागली हळद लागली, आणि मग ते हळद लागेल, मग वाजा वाजेल, आणि मग रात्री मग ढिंचॅक ढिंचॅक बाबा लगीन DJ वाजणार आहे, बँड येणार आहे। तरी मी लाईव्ह येईल, जर जास्त आवाज झाला तर मग बंद करूया, कारण ते इथं कॉपीराईट येऊन जाईल, है ना। सर ये जो रिमेनिंग मंथ है बोर्ड्स के लिए, उसमें भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हैं बेटा, डेफिनेटली ला सकते हैं। आज की क्लास तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अपन आज एक ही एक्सरसाइज करेंगे, मुझे भी थोड़ा ये मिल जाएगा शांति, है ना। चलो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये जो पार्ट है, ये पार्ट 2 हम ले रहे हैं, और इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेशन सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स से कि अगर देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन देके रखा है कि इफ f(x) इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देन द डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली क्या होता है यार? देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने ऐसा लिख दिया कि 64.1, तो तुम क्या बोलोगे 8 point something आएगा ऐसा? ये अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालोगे? तो डेरिवेटिव का भी उपयोग अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है, निकालने के लिए होता है, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो अप्रोक्सीमेशन का साइन एक्चुअली 2 तरह का होता है। आप जनरली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि इक्विवेलेंट का साइन है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लिए नीचे ऊपर लाइन खींच के नीचे ऊपर डॉट लगा दो, है ना। हमने जैसा इक्वल लगा देना, नीचे ऊपर डॉट लगा देना। तो ये जैसे देके रखा, अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देता हूँ तो ये लिमिट यहाँ से हट जाएगा। इसको लाइन खींच लो ऐसी, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लग गया, और ये हो गया f(a+h) - f(a)/h। ठीक है, h का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो h f - a, और ये अप्रोक्सीमेशन का साइन, और ये f(a+h) है -f(a) है, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा h f - a + f(a) = अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f(a+h)। तो मेन फार्मूला क्या बन गया? मेन फार्मूला बन गया f(a+h) का, दैट इज अप्रोक्सीमेशन की साइन लगाओ। ओके, अप्रोक्सीमेशन की साइन लगा लो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसको आगे पीछे लिखते हो तो भी चलता है। ये हो गया f(a+h) f(f)-a, बस यही मेन फार्मूला है, इतना ही है जो कि काफ़ी है, इतना ही है
जो आपको यूज करना है, सिर्फ एक फार्मूला पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर, पूरा लेक्चर देख के ही सोऊंगा, हो जाएगा करण बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इनफ फॉर बोर्ड्स? नहीं बेटा, क्योंकि कब कहाँ किधर से क्या आ जाए कुछ भरोसा नहीं है, है ना। सासरवाड़ीत गेल्यानंतर सासरा किंवा सासू तुम्हाला काय प्रश्न विचारणार ते फिक्सच नसतं काही, अगदी तसंच आहे बोर्डचं पेपर एकदम असं। अभी तुमको पता नहीं इस बारे में, तुमको तो अनुभव नहीं कुछ है ना, पर तुमको दूसरा अनुभव दे सकता हूँ मैं कि तुम्हारे टीचर ने अगर डिसाइड कर लिया कि तुमको चमकाना है स्कूल कॉलेज में, तो तुमको खड़े करने के बाद कुछ भी पूछ सकता है। वैसे बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड में पेपर जो सेट होता है अलग अलग सेटर होते हैं, उनके पेपर मिल के कुछ नया बनता है, तो कब कौन कौनदा क्या दे दे। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना कि पेपर का 40-50% जो पार्ट होता है ना, पेपर जो होता है बोर्ड का, वो 40-50% बड़ा सिंपल होता है ना। डिफिकल्ट पोर्शन 20-30% ही होता है ना, और बीच का 10-20% एवरेज होता है। तो सही मायने में देखे तो हर बच्चा उसको कर पाता है ठीक, तो उसमें ऐसा डरने वाली बात नहीं है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है ना, जैसे है ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स के अंदर ऐसी है, सबसे बड़ा रोग है ना, सबसे बड़ा रोग मुझे कुछ नहीं आता हर बच्चे को फील आता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी वैसे वैसे तुम्हारे दिल के अंदर से एक आवाज आएगी तुझे कुछ नहीं आता है, और तुम्हारा नई टेंशन बढ़ेगा तो फिर बताना। तुमको ये होता है क्या तुमको कि एग्जाम पास आ रही है तो तुम्हारे अंदर से फील आ रहा है कि मला का ये नहीं, मैं काय करूं, मजा कसं होईल, मेरे को 90% मिलेगा। अब ये सवाल मुझे बच्चे पूछते हैं, एक्चुअली मैं क्या उत्तर दूंगा उसमें, मेरे पास क्या जवाब है। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं डॉक्टर को बोलूंगा डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब मेरे सिक्स पैक बनेंगे क्या? डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई मेरे को एक्सरसाइज करना पड़ेगी तब मेरे सिक्स पैक बनेंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा उसमें? वैसे तुम मेरे को पूछते अभी चालू कर दिया तो 90% मिलेगा क्या, और मैं कैसे बताऊंगा? तुम पढ़ोगे नहीं, तुमको लग रहा है पांच नारळाचे तोरण चढ़ावलं मंदिरामध्ये कि तुम्हाला परसेंटेज भेटून जाते, तसं नहीं होत ठीक है। चलो बातें बंद करते हैं, शुरू करते पढ़ाना, इधर आज बातें हो जाएगी नहीं तो। अब पहला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको ऐसे ही रहने दो। आपको करना क्या है, जब आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या ध्यान रखोगे आप, कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे वो अंडर रूट में दिया हो 64.2, चाहे वो क्यूब रूट में दिया हो 27.8, या वो क्यूब रूट में देके रखा है 28.2, या फिर वो कुछ और दिया है ना साइन 61 डिग्री दिया है, कुछ भी दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको भूल जाना है और आपको लेट करना है, सपोज करना है, सपोज क्या एफ ऑफ एक्स सपोज करना, ये अंडर रूट में दिख रहा है तो एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेना है, ये क्यूब रूट में दिख रहा है तो आप सपोज कर लोगे एफ ऑफ एक्स बराबर क्यूब रूट एक्स, ये ऐसा दिख रहा है तो आप सपोज कर लोगे एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये आपको सपोज कर लेना है और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेना है, सभी का एफ डैश एक्स निकाल लेना है, और फिर आपको यहां जो वैल्यू दी है ना इसको तोड़ना है 64.2, 64 के पास स्क्वायर रूट क्या है तो 64 है, 64 प्लस 0.2, यहां से तुमको ए प्लस एच लिखना तो ए तुमको मिल जाएगा 64 और एच तुमको मिल जाएगा 0.2। तुम्हारा फार्मूला क्या है, तुम्हारा फार्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, तो आपको ए जो है ए बराबर 64 आपको एक बार यहां रखना है और इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, दूसरी बार आपको वैल्यू यहां रखना है और एच तुमको यहां से मिल गया है, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बट जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं ना ऐसा लगता है कि क्या क्या पढ़ूं, और हाँ डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, है ना। चलो यहाँ पर अपने को कैसे करना है इसको सॉल्व, सबसे पहले अपने को लेट कर लेना, ये अंडर रूट में देके रखा है तो लेट क्या करेंगे अपन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, इतना क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में देके रखा है हम उसको लिखते हैं। नाउ
एक्स इज इक्वल टू आप लिखोगे 8.95। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ए प्लस एच के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप इसको 9 - 0.05 लिख सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 9 + - 0.05, और फिर आप चाहे तो a प्लस एच के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ लिख दो कि a जो है बेटा 9 है और h जो है -0.05 है। मैंने क्या बताया, हमारा जो मेन फार्मूला है, हमारा फार्मूला है f ऑफ a प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। सर यू आर नॉट टेकिंग 11th लाइव, सो मी एंड माई फ्रेंड्स आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। शुभांगी स्वामी थोड़ा रुक जाओ, मैंने सोचा है तुम्हारे लिए कुछ अलग। मैं जब लाइव ले रहा था तब तुम लोग नहीं थे अवेलेबल, है ना, तो तुम चिंता मत करो। तुम्हारी एग्जाम 12th के बाद है, एक बार 12th का सिलेबस खत्म हो गया फिर मैं 11th ही पढ़ाऊंगा, तो वो चिंता मत करो तुम। अब यहां क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, यहां क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये हो गया मेरा। अब मैं एफ ऑफ ए निकालता हूं, मेरा एफ ऑफ ए क्या है, तो मैं अंडर रूट में ए लिख दूंगा, तो अंडर रूट में ए लिख दूंगा, तो मेरे ए की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिया तो मेरा 3 हो गया। एफ ऑफ ए मेरा क्या हो गया, मेरा एफ ऑफ ए 3 हो गया। फिर मेरा एफ डैश ए अगर मैं निकालू तो वो 1/2 अंडर रूट 9 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 1/6 होगा, और एफ डैश ए हो गया मेरा 1/6। हो गया जी, हो गया जी। चलो अभी यहां पर अपन क्या करेंगे, अपने पास ये वैल्यू देखो, अपने पास कौन कौन सी वैल्यू, अपने पास एच की वैल्यू है, अपने पास ए है, अपने पास एफ ऑफ ए डैश है, तीनों वैल्यू अपन जो है यहां पर लिख लेते हैं, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, इजी सा है, इंटरेस्टिंग सा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मैं एफ ऑफ ए प्लस एच लिखता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच में लिखता हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कितना है 3 है, तो 3 लिख दो। एच कितना है, एच मेरा है माइनस में 0.05, और एफ डैश ए मेरा कितना है 1/6 है, ये 1/6 हो गया। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 प्लस मतलब करो माइनस कर लो, ये हो जाएगा 0.05। तो 0.05 न लिख के अगर अपन ने ऐसा लिखा कि 5/100, अगर अपन ने ऐसा लिखा कि 5/100 इंटू 1/6, चलेगा। एक काम करो, 5 को 6 से डिवाइड करते हैं। देखो बहुत सड़ी सी बात है डिवीजन वाली, तो 0 लगा दो तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाओ तो 0 लगेगा, 6/8 = 48, ठीक है, 6/8 = 48, 8 बार डिवाइड करोगे इसको बचेगा 2, फिर 0 लगेगा, 6 * 3 = 18, फिर 18 आ जाएगा, 6 * 3 = 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 6 * 3 = 18, तो क्या आ रहा है, 8.33 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये हमारे पास में क्या आ रहा है, 8.33 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा समझने के लिए हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 3 इसको लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 0.834, ऐसा लिखेंगे इसको, और अपॉन में 100 क्या करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने 5 को 6 से डिवाइड किया है तो 8.33 है, 33333 आएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 8.34 लिखूंगा, है ना। इसको हम आगे एंड कर देंगे रिपीट करने के लिए, और ये वैल्यू अपन यहाँ लिख दिया। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.00834। अब 3 में से इसको माइनस करना है, है ना, आपको क्या करना है, 3 में से इसको माइनस करना है, तो 3.00000 और ये होगा 00834, तो 14 में से 10 में से 4 गया तो 6 बचा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, ये 1, ये 9, ये 9, ये 2.99 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 2.99166, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई अंडर रूट में 8.95 की। चेक करो इसको, चेक करो आंसर, हो गया ख़त्म। सर मेरी दीदी की शादी है तो मैं लाइव लेक्चर नहीं कर पाई,
बट मैंने रिकॉर्डेड देखे लिए हैं। अच्छी बात है सर, प्लीज़ अटेंडेंस नहीं नहीं बेटा वैष्णवी मैंने वो क्रिएट ही करना बंद कर दिया है, मैंने एक ही दिन क्रिएट किया वो, क्योंकि वो क्या होता है मैं पढ़ाना छोड़ के वो उसके ऊपर बोलते रहता हूँ, उसके ऊपर मैं बोलते रहता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि टाइम मेरा, मुझे लगता है बच्चों का टाइम जा रहा है, तो मैं उसके लिए मैं उसको डाल नहीं रहा हूँ। तुम बोलोगे तो मैं बनाना चालू कर दूंगा, है ना। तुम मुझे तुम लोगों पे विश्वास है, तुम क्लास शेयर करो अपने दोस्तों से, तुम लोग जितने लोगों से शेयर करोगे उतना तुमको कैसा लगता ना क्या शेयर करना, पवन सर भी क्या देख लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, तुम अगर डिसाइड करोगे, अगर कोई बंदा अपने लिए मेहनत कर रहा तो अपना काम वो तो बनता ही है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि चलो ठीक है यार हम सर का क्लास तो शेयर कर ही देते हैं। हेलो बेटा खुशी, तो ये इस तरह से ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब ये हो गया 28, क्यूब रूट दिया है 28 के आसपास, कौन सा ऐसा नंबर है जो क्यूब रूट है? डेफिनेटली 27 है, 27 है, और तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में हम इसको बनाना, लेकिन मैंने क्या बोला, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उस ढांचे को आपको लेना है और उसके अंदर एक्स डाल देना। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था तीन तरह के ढांचे होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बहुत सारे तरह के होते हैं, तीन तरह के नहीं बहुत सारे होते हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई कोई अलग वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद में आपको टेन में दे देंगे, लॉग में दे देंगे, ई में दे देंगे, बहुत सारे प्रकार हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेट करूँगा कि इसी फॉर्मेट के अंदर मेरा एफ ऑफ एक्स जो बने वो मेरा बने क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 1/3। तो जब मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा बेटा, तो ये 1/3 आगे आ जाएगा, एक्स पावर 1/3 में से एक कम हो जाएगा। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, मेरा एफ डैश आएगा 1/3 और एक्स पावर 3 × 3 × 3, एक में से तीन गया तो -2/3। तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स मेरा क्या है, वो है 1/3 एक्स पावर 2/3। तो मेरे पास में दो चीज़ें हो गई, एक मेरे पास में ये फंक्शन है, ओके, जो जो वैल्यूज़ हैं, और एक मेरे पास में ये वैल्यू है, एक वैल्यू मेरी ये है, एक वैल्यू मेरी ये है, दो वैल्यूज़ हैं। तो अपन दोनों वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू। अभी तो अपन ने सिर्फ वैल्यू निकाली, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, हम ये लेंगे। तो एक्स क्या ले लिया मैंने, 28 ले लिया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 27 + 1। तो मैं इसको ए प्लस एच लिख सकता हूँ, तो मैं अगर कंपेयर कर लूँ तो ए मेरा हो जाएगा 27 और एच मेरा हो जाएगा 1। बड़ा सिंपल सा है, इसमें से मैं एच भी यूज़ करने वाला हूँ, इसमें से मैं एच भी यूज़ करने वाला हूँ। तो एच को एच की तरह ले लो, ये एच मेरा आ गया जो यूज़ करने वाला हूँ। फार्मूला मेरा क्या है, हमेशा की तरह फार्मूला हर जगह पर एक ही है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। कुछ भी कठिन नहीं है, चिंदी क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, है ना। चलो अब मैं क्या करूँगा, मुझे एफ ऑफ ए और एफ डैश ए निकालना पड़ेगा। मेरे पास देखो क्या क्या मुझे पुट करना है, एच मेरे पास में एच है, मुझे एफ ऑफ ए और एफ डैश ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए मेरा क्या है, मेरा एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए मेरा हो जाएगा दैट इज 27 × 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 1/3। तो मेरा एफ ऑफ ए क्या हो गया बेटा, ये 3 आ गया, ये पहली बात हो गई, ये क्या हो गया, पहली बात हो गई, ये मेरा एफ ऑफ ए निकल गया। अभी मुझे एफ डैश ए निकालना है, तो मेरा एफ डैश ए क्या होगा, मेरा एफ डैश ए बड़ा सिंपल सा है, एफ डैश ए ये है 1/3 एक्स पावर 2/3। तो ये है 1/3 और एक्स की जगह 27 2/3, तो ये 3, यहाँ 3 × 3 × 2/3 कट गया, ये वापस 1/27 हो गया। चेक कर लो इसको, इसको चेक कर लो, 1/27 आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, 1/27 आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो वैल्यूज़ है तुम्हारी, ये एफ डैश ए की वैल्यू है, ये तुम्हारी एफ डैश ए की वैल्यू है, ये तुम्हारी एफ ऑफ ए की वैल्यू है, और ये तुम्हारी एच की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ को उठा के रखना है और कुछ नहीं है, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एफ ऑफ ए मेरा 3 है, एच मेरा 1 है, और ये एफ डैश ए मेरा 1/27 है, हो गया। ये 1/3, ये क्या हो गया, ये 1/3 था, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे सिंप्लीफाई कर लेना इसको, सिंप्लीफाई करते समय मैं क्या करूँगा, मैं 27 × 81 = 87 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गई बात, है ना, फुल ऑन सिंपलिंग चालू है सर।
चालू कर देंगे निशा, कल से अटेंडेंस चालू कर देंगे। तुम लोगों का इंटरेस्ट है ना, चालू कर देंगे। अच्छी बात है, मुझे भी खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है तुम लोग इंटरेस्टेड हो। ये हो गया। अब आपको 82 को 27 से डिवाइड करना है, 82 को आपको 27 से डिवाइड करना है, तो 27 थी 81 हो गया, तो 3 तो आ गया, यहाँ बचेगा 1 है ना, तो ये तो आ गया 3 पॉइंट लगाया, 0 आया, डिवाइड ही नहीं होता, फिर से एक 0 लगाया तो यह 0 आएगा। 27 थी 81, फिर 19 बच गया, 0 लग गया। 27 के टेबल में 7 बार आएगा शायद, है ना, 7 बार आएगा आई फील, क्योंकि 27 जो है 25 साते जो है, 25 साते कितना होता है 175, और 27 साते, तो 27 साते 2 बढ़ रहा है, 14 बढ़ा दो, 175 में 14 बढ़ा दो तो 189 होगा वो, है ना, 175 में 14 बढ़ाया तो 189, फिर वापस 1 बचेगा, है ना, यहाँ 189 होगा और वापस में फिर से 1 बचेगा, तो 3.037 लिखो। ये हो गया तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, किसका हुआ, ये क्यूब रूट ऑफ 28 का, दैट्स इट, हो गया। आपके क्लास बहुत मस्त है सर, कैन वी कीप द फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन आप एक्चुअली क्या है ना बेटा, हमारे जितने भी आंसर्स है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में उन्होंने आंसर ही नहीं दिए, तो हमको पॉइंट के फॉर्म में ही लाना है, क्योंकि क्वेश्चन भी पॉइंट के फॉर्म में आएगा, है ना, पॉइंट के फॉर्म में जो आता है वो लेके आना है। ये तो चिंदी लग रहे, चिंदी जाइए, सिर्फ तुमको इतना फार्मूला याद रखना है, सिर्फ इतना फार्मूला याद रखना है, और यही चीज़ें तुमको हर इसमें बनानी है, इससे चिंदी कुछ नहीं है। इसलिए मैंने बोला आज मैं आराम करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कुछ है नहीं इसमें, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी मैं जमा के दे देता हूँ। ये क्या हो गया, अभी फिफ्थ रूट है तो मैं लेट क्या करूँगा, मैं एफ ऑफ एक्स सपोज करूँगा, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, मैं क्या सपोज करूँगा, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स पावर 1/5 आ रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा। यार ये बहुत प्रॉब्लम है यार, बहुत प्रॉब्लम है, इसको बताना पड़ेगा अपने को। ये रोज का प्रॉब्लम हो गया यार, रोज ही नाटक होता है, फटाका फूटने की देर रहती है, बस ऐसा लगता है कि पता नहीं बॉम्ब फूट रहा है क्या। जरा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के अंदर सब हो जाएगा चालू, थोड़ा सा मैं उसको रोक के रख रहा हूं, टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। मुझे लगता है ऐसा पढ़ा पाऊंगा यार, मैं बहुत ही तकलीफ है ये तो। पीसी नहीं है रे, पीसी नहीं है, ये मशीन है जो 1000 वॉट का है।
एक मिनट रुको भाई, बहुत नाटक है भाई। सॉरी, चलो कोई बात नहीं है, क्या कर भी क्या सकता हूँ मैं। नया का नया खरीदा, अभी एक साल डेढ़ साल हुआ है, लोड ही नहीं ले रहा हूं, चलते चलते लोड छोड़ दे रहा है। मैंने भी लाइक नहीं किया, अच्छा याद दिला दिया। किससे कहा 80,000 का बोर्ड है? अस्सी हजार का बोर्ड नहीं, किससे बोला 80,000 का बोर्ड है? भैया 3 लाख रुपए का बोर्ड है, 30,000 के लाइट्स है, ऊपर 30,000 के लाइट्स लगे हैं, कैमरा तुम्हारा 1,60,000 का है, हर चीज बिल्कुल बहुत बढ़िया है। 80,000 में कुछ नहीं होता, 80,000 में कुछ नहीं आने वाला। बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है क्या कहते हैं मशीन का प्रॉब्लम है। बोर्ड तो अच्छा है, बोर्ड को कोई इशू नहीं है। तो ये क्या होगा 1/5, ये होगा 1/5 एक्स पावर 1/5 माइनस वन, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/5 एक्स पावर 4/5। ठीक है, तो मेरे पास में दो चीजें हैं, मेरे पास में दो चीजें हैं, एक एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, एक एफ ऑफ एक्स है, और दूसरा क्या है मेरे पास में, एक है एफ डैश एक्स है, दूसरा क्या है मेरे पास में, दूसरा है एफ डैश एक्स। अब ये तो ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह क्या रखूंगा, 31.98। ऐसा कौन सा नंबर है जो फिफ्थ पावर तक आता है? तो 2 पावर होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 माइनस 0.02, तो 32 में से हो गया, तो ये x हो गया, सॉरी ये a हो गया, 32 जो है a हो गया, ये h हो गया, तो a मेरे पास क्या आ गया 32 आ गया, और h मेरे पास क्या हो गया माइनस का 0.02, माइनस का 0.02 हो गया, बस सिंपल सा है। अभी क्या होगा, मैं वैल्यू निकालूंगा, मैं अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू का फार्मूला लिख लूँ, एफ ऑफ ए प्लस है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। ठीक है, तो अपन पहले एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, ये होगा फिफ्थ रूट ऑफ, ये क्या होगा, ये फिफ्थ रूट ऑफ 32, मतलब 2 पावर 5 इंटू 1/5, तो एफ ऑफ ए मेरा क्या हो गया 2 हो गया, ये पहला काम हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं एफ डैश ए, तो एफ डैश ए क्या होगा, एफ डैश ए के अंदर 1/5 इंटू 32 पावर 4/5, तो 1/5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट गया, 2 पावर 4 मतलब कितना हो गया 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 हो गया, तो ये हो गया 1/80, क्या हो गया, ये 1/80 हो गया। अब यहाँ क्या होगा, एफ डैश ए क्या होगा 1/80 हो जाएगा, सॉरी इधर लिख दो उसको, ये 1/80 है,
ठीक है, आप बस वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ ए का वैल्यू 2 है, एफ ऑफ ए का वैल्यू 2 है, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू माइनस का 0.02 इंटू ये क्या है 1/80 है, ये 1/80 है, तो क्या होगा अभी ये 2 का 2 माइनस, इसको 2/100 कर लो और इसको 1/80 कर लो, 2 से काट दो इसको 4 बार, तो क्या हो जाएगा ये 2 का 2 माइनस में एफ ऑफ ए तो 2 हो गया है ना, माइनस में ये 1/4 आ रहा है इंटू 1/1000 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 क्या हो जाएगा 0.25/1000 है, 3 जीरो और आगे आ जाएंगे, 2 माइनस 0.00025, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.99975 है ना, ये क्या होगा 1.99975, देख लो तुम्हारा आंसर, चेक करो तुम्हारा आंसर को 9997, ठीक है ना, करो उसको माइनस, माइनस कर लो नहीं पल्ले पड़ता है, तो 2.00000 और 0.0025, ये 5 है, ये 7 होगा, 9 9 9 और 1, 1.99975 99975, कर लो आंसर को, ये आंसर है, ठीक है, सिंपल है। सर वो अटेंडेंस अच्छा था, आपने लिंक क्यों बंद कर दिया, अरे बेटा वो टाइम जा रहा था ना, मुझे लगा कि तुम लोग भी बोलोगे कि सर ने क्या नया तमाशा ले आए, तो मैंने बंद कर दिया, मैं चालू कर दूंगा कल से, मुझे क्या है, तुमको अच्छा लग रहा तो मुझे कोई बुरी बात नहीं, मैं चालू कर दूंगा, मुझे कैसा लगा कि तुम लोग बोलोगे सर क्या नई नई चीज़ लेके आते हैं, फालतू परेशान कर रहे हैं, उससे क्या होगा, तो इसके लिए मैंने वो कर दिया है ना। चलो अगला वाला क्या है, अगला वाला तुमको करना है, ये तुमको करना है, ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स पावर 4 हो जाएगा, लेट कर लो, तो एफ डैश एक्स क्या होगा वो 4x/3 हो जाएगा, और मेरे पास में एक्स क्या है 3.97 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4.0.03, तो मेरा ए जो है वो 4 हो जाएगा और एच जो है वो -0.03 होगा। क्या तुम इसको कर पाओगे, बोलो जल्दी से, क्या ये होमवर्क दे दिया जाए, इतना हक तो बनता है होमवर्क देने का। सर डेरिवेटिव में आंसर को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया तो चलेगा क्योंकि मार्क्स कट होने, बेटा इसके अंदर आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाकी अदर्स में नहीं करना है, इसके अंदर पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डेसिमल से ही कथा शुरू हुई है, हम कथा सुनाते तो कथा जहाँ से शुरू हुई है वहीं ख़त्म होगी, और डेसिमल ना मैं तुमको तो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम डेसिमल में आती है, और सबसे चिंदी चीज़ डेसिमल है ना, अपने भाई बहन किसी की नोटबुक उठाओ दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वालों की है ना। सर वो तो मैं मस्ती में बोल रहा था, ट्रेंड चल रहा है आजकल, अच्छा मुझे नहीं पता बेटा, चलो बढ़ते आगे, इसको होमवर्क दे दो, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के है ना, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के, ये भी क्वेश्चन होमवर्क का है, और एक्स बराबर सॉरी ये एफ ऑफ एक्स तुम्हारा हो गया, यहां लेट कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा x/3, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा हो जाएगा 3x² और x तुम्हारा 4.01 है, जिसको 4+0.01 लिखोगे, a और h हो जाएगा, a तुम्हारा जाएगा, h तुम्हारा 0.01 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तुम कि एफ ऑफ ए पुट किया है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा 4/3 तो 64 हो जाएगा, और तुम्हारा एफ डैश ए बोला है तो तुम्हारा होगा 3×4² तो 3×16 16 48 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दो है ना, कर लेंगे सर बराबर है ना। बस तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर दिया है उसको एक्स के फॉर्म में सपोज करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर जो दिया है उसको अपन ने लिखा और उसको तोड़ लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसा तोड़ा कि वो कैलकुलेशन में मदद करे, जैसे यहाँ 3 है तो 4/3 में निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि तुमने इसको लिखा 3.99 and 0.02, ऐसा नहीं 3.9 नहीं तो पता चला तुमने कर दिया बराबर, वैसा नहीं, इसके पास का सपोज कर लिया, फिर यहाँ से मुझे ए और एच मिल गया, और फिर मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी पहले में और दूसरे में, और बस मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखूंगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश, दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे, अगला आ गया ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब देखो मैंने क्या कहा, इसमें हर चीज बदलती जाएगी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो क्या हो गया ये, इसको लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, क्या देख रहे हैं साइन 61 डिग्री गिवन दैट 1 डिग्री का वैल्यू इतना है और रूट 3 का वैल्यू इतना है। चलो ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना देख रखा है, इसको अपन साइन एक्स सपोज करेंगे। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा भैया, कॉस एक्स होगा। ठीक है, हमारा एक्स कितना देख रखा है 61, जिसको मैं 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ए प्लस एच हो जाएगा, मेरा ए हो गया बेटा 60 और एच मेरा 1 हो गया। ये दोनों चीज़ें मैं काम में लाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से एफ ऑफ ए निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ ए मतलब मेरा हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 होता है, रूट 3 की वैल्यू हमको दे के रखी है, दैट इज़ 1.732 अपॉन 2, तो हो जाएगा 0.866। डिवाइड करके देखो 17 है, 17 मतलब 16 8 बार, एक बचेगा 13, 12 6 बार, फिर 12, तो ये एफ ऑफ ए आ गया मेरा। ये मुझे एफ ऑफ ए की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। फिर मैं एफ डैश ए निकाल लेता हूँ, मैं एफ डैश ए निकालता हूँ, एफ डैश ए मेरा कॉस है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स क्या होता है, तो कॉस ए, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 60 लिख दूंगा। तो कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, विच इज़ 0.5। अब मैं अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिख लेता हूँ, बस कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए है। इससे चिंदी क्वेश्चन कुछ नहीं, मैं तो बोलूँ भगवान से, मैं दुआ करता हूँ कि बच्चों को इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे दे ताकि फ्री के मार्क्स मिल जाए, या फिर टेंजेंट सेगमेंट के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बोल दे। एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए कितना है 0.866 है, 0.866 है। एच कितना है, एच 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 एक है, और एफ डैश ए कितना है, एफ डैश ए कितना है, यह है 0.5। तो क्या हो गया, ये हो गया 0.866 प्लस 0.5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 663, 1.33 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है। अच्छा गलती कर दी ना हमने, हमने एच की वैल्यू 1 ही रहने दी, हमको तो उसको चेंज करना है ना इसमें। अरे बाबा हमको अभी एच की वैल्यू लिखना है ना, तो एच की वैल्यू सिर्फ ऐसी नहीं होगी, एच यहाँ क्या है, एच यहाँ पर क्या दे के रखा है, देखो ए तो तुम्हारा 60 हो गया और एच तुम्हारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.01 तो एक तरह का गेहूँ होता है ना, बहुत जो गरीब लोगों के लिए सस्ता पड़ता है। एफ ऑफ ए कितना हो रहा है, एफ ऑफ ए तुम्हारा कितना है, एफ ऑफ ए 0.866, 0.866। एच कितना है, एच तुम्हारा है दैट इज 0.0174, और एफ डैश ए कितना है, एफ डैश ए 0.5 है, 0.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लियो। सर आप कौन से डाउट कॉलेज में पढ़ाते हो, मेरा जो कॉलेज है ना बेटा, मेरा कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कॉलेज है मेरा, मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है, मैं आपके दिलों पर राज करता हूँ। ठीक है, तो आपका जो कॉलेज है मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। एक भी नहीं, बैक बेंचर हूँ। ओके सर आज अटेंडेंस नहीं है, नहीं आज अटेंडेंस नहीं रखी है, टाइम ऑफ 9 PM to 12 PM। नहीं बेटा अनुज, अनुज हम उसको 8:30 या 9:45 करेंगे बेटा, मुझे क्या हो रहा है, मेरी नींद नहीं हो रही मेरे भाई, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं अपनी नींद को ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी 15-20 मिनट पहले शुरू करेंगे ना तो सही रहेगा। सॉरी सर माला बर ना होता, बर नहीं है तर झोपून, कई हरकत नहीं तेजू, तू जवाब बगैसे तेवा बग, अभी इसको कैलकुलेट कर लो या मैं करके देता हूँ। ये क्या होगा, 174 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 की शून्य हाथ के आए 2, 7 × 5 = 35, 2 37 की 3, 7 हाथ के आए 3, 5 × 5 = 3, 8 और कितने हैं 4 और 1 = 5, तो 3 हो गया, 4, 5 पॉइंट लगा दो, और इसके अंदर ये क्या है 0.866 है, तो हो गया 0, 7, 4, 7, 8 87, 47 आला करे आला रे बाबा 0.8747, ठीक है ना।
ओके बेटा ओके, बढ़ते हैं आगे, अगला वाला है ना, इसके अंदर थोड़ा सा अलग प्रकार है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, साइन की जगह साइन है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ये पूरी कथा वैसी की वैसी है, ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ऐसा कैसे ही है, कैसा है देखो, मैं एफ ऑफ एक्स को जो लेता हूँ साइन एक्स ले लेता हूँ है ना, लेट कर लो, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, फिर मेरा एक्स क्या है वो है 29 डिग्री प्लस 30 मिनट, 30 मिनट है तो मैं क्या करता हूँ 29 डिग्री है तो मैं इसको ना ऐसा लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ एक्स को जो एक्स दिया है ना कि 29 मिनट 30 डिग्री, तो मैं इसको लिखता हूँ 30 डिग्री माइनस 30 मिनट, या ऐसे कर दो, या ऐसे कर दो 30 डिग्री माइनस हाफ ऑफ डिग्री, हाफ डिग्री हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो हाफ डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको मैं सपोज कर लेता हूँ ए और एच में, तो ए तो मेरा 30 हो गया और एच मेरा हो गया माइनस हाफ, और ये डिग्री है तो उसको कन्वर्ट कर दो 0.0175 है ना, तो क्या होगा ये माइनस, ये क्या होगा 175 है ना, 180 अगर होता तो 90 होता, और 170 अगर होता तो 85 होता, तो मेरा क्या होगा, ये होगा 8 7 5 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा क्या, देखो तो चेक करो, हाँ ऐसा आएगा, ये इसमें इसी का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ रहा है ये 0.00875 आ रहा है ना, ये h हो गया, ये h हो गया, अब आप क्या करोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पहले आप f ऑफ a निकालोगे, f ऑफ a मतलब तुम्हारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 होता है तो 0.5 हो गया, फिर f डैश a निकालोगे कॉस 30 डिग्री वो √3/2 होता है, √3 का वैल्यू 1.732/2 होता है तो 0.866 हो जाएगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अपन, वो क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए मेरा 0.5 है, एच मेरा कितना है एच 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 ये है 0.00875 और एफ डैश ए कितना है एफ डैश ए ये 0.866 है, 0.866 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, बस ये ला सिंप्लीफाई करूँ घ्यायचं, थोड़ा मोटा आहे पण कैलकुलेट करावा लागेल है ना, अभी मैं तुम कहो तो मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.00875 0.866 है ना, 866 का मल्टीप्लाई है ना, किसका है ना, किसका इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है 866 का, 866 का 0.00875 0.00875 तो एक काम करो ना 866 में या 875 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 5 30 की शून्य हाथ क्या है 3, 6 7 42 और 3 45 की 5 हाथ क्या है 4, 6 8 48 और 4 52 ये ऊपर वाले को हटा दो, यहाँ लगाओ ऐसा, और 0 5 2 5 क्योंकि फिर से 6 से कर रहे हैं, 8 5 40 की शून्य हाथ क्या है 4, 8 7 56 और 4 60 की शून्य हाथ क्या है 6, 8 8 64 और 6 70 हो गया 0 5 7 7 5 7 ये आ गया, अब इसमें कितने पॉइंट लगेंगे 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगा 0.00775 ये क्या हो रहा है ये ऐसा आ रहा है 0.5 में से 0.00 0.00 75 75 75 75 75 75 इसको उसमें से माइनस कर दो बेटा ये क्या है 0.500000 और यह है 0.00757775 तोबा तोबा ये 10 9 9 9 9 9 आणि 4 हे झालं 10 में से 5 गए तो 5 2 2 फिर 4 फिर 4 फिर 2 फिर 9 फिर 4 4924225 तो इसका आंसर 4924 लिख दो
0.4924 225 भी है आगे, छोड़ दो उसको, ऐसा होता है। और अच्छा ये जो है ना बेटा देखो 29 30, अच्छा तुमको एक चीज बताऊं मैं, ये देखो यहां पर एक और चीज देखो, तुमको पता है ना जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, अल्टीमेटली इन दोनों का सम 90 होता है ना, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 90 होता है। तो जो वैल्यू साइन 29 डिग्री 30 मिनट की होगी वही कॉस 61 डिग्री 30 मिनट की होगी, है ना, 60 डिग्री 30 मिनट की होगी, 60 डिग्री 30 मिनट की होगी। देखो जरा ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ पलटा के लिखना, आंसर वही आने वाला है ना। ये जो पिछला क्वेश्चन है ना ये ऐसी करना है, कैलकुलेशन भी ये ऐसी जाएगी, उसकी ऐसी कैलकुलेशन आएगी, है ना। आप कहो तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं, है ना, एफ ऑफ एक्स अपना क्या होगा यहाँ, कॉस एक्स होगा, क्या होगा यहाँ, कॉस एक्स होगा, और एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ, या लेट लिख दो, वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। हेलो, हाँ हाँ सर बोला सर जी, अच्छा साइकिल लगने वाला है, ओके कार मंडप वाला, हो सर तो ब्रदर को सर तुम्हें, हो मैं चोपड़ा दे सर, हो सर नक्किया सर, हो सर बिल्कुल, आप लगा दो औरत है, हो सर, हो सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ओके सर ओके। अरे नहीं नहीं अरे यू हैव बिकम अ टीचर, चालेल चालेल, है ना, ओके ओके, हो ओके। हो गया, क्लियर हो गया, अब नहीं बफरिंग हो रहा है यार, अब तो क्लियर है ना। बहुत तकलीफ हो रही है आज, बताओ चिंदी चिंदी काम है उसके लिए तकलीफ हो रही है। तो ये करोगे तुम, इसको करोगे, इसको होमवर्क दे दूं, इसको होमवर्क दे दूं, इनको होमवर्क दे दूं, मुझे बता दो करोगे इसको, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ये सब क्वेश्चन एक जैसे, इसमें ज्यादा दिमाग खराब करने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे। ये कर लोगे अभी, इसको सॉल्व कर लोगे तुम कि मैं रुके रहूं, मुझे करवाओ, मुझे बताओ जल्दी से, मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हम इसको कर लेंगे, है ना। चालेल ना, ये दोनों क्वेश्चन सारखे हैं, कहीं नहीं है, हा तसा जे, हापण तसा जे, 40 डिग्री है, इसको 40/60 कर दोगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 का कन्वर्ट कसा होना, सोपा है, चलो 40 वाला करवा देता हूं, है ना कुछ तो करो खुद। हाँ आज मैं भी जल्दी, पता नहीं फिर से अटक गई बात, पता नहीं क्या नेट इश्यू दे रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं लेट करके, एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं टेन थीटा या टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स मेरा क्या है 45 डिग्री एंड 40 मिनट है, तो मैं इसको 45 डिग्री करता हूँ, 45 डिग्री करता हूँ प्लस 40/60 डिग्री कर लेता हूँ, तो 45 मेरा ए मेरा जो है 45 हो जाएगा, और एच जो है मेरा 40/60 हो जाएगा, इनटू मैं इसको ले लेता हूँ 0.0175,
ये कट गया, तो ए तो मेरा 45 है और एच मेरा हो जाएगा 2/3 0.0175, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे एफ ऑफ ए निकालना है। मेरा एफ ऑफ होगा 10 45 डिग्री, 10 45 तो एक होता है बेटा, और मेरा एफ डैश ए क्या होगा, वो सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 क्या होगा, सेक स्क्वायर 45 क्या होगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 आता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आता है बेटा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत 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 चिन्हधी क्वेश्चन है, ठीक है। एच हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी एच की वैल्यू सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है एच को तो कर लो। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से, है ना। एफ ऑफ ए मेरा 1 है, एच मेरा कितना है, ये 2/3 है इंटू 0.0175 है, और एफ डैश ए मेरे पास में 2 है। बस बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। बफरिंग नहीं हो रहा है अब, अभी क्या होगा, ये 1 प्लस इसको 0.66 लिख लो, ये 0.667 लिख लो, इसको 0.0175 लिखो, इंटू 2 लिखो, सॉल्व कर लियो इसको अब, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आराम से हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इसके बाद का अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि 10 का, इसको कैलकुलेट करना बेटा, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब टेन इनवर्स एक्स लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, वो होगा टेन इनवर्स एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1/1 + x². हमारा x किसके इक्वल है, 0.999 के, तो मैं लिख सकता हूँ 1.0001, ये हो गया। तो a मेरा 1 हो गया और h क्या हो गया, 0.001 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो एफ ऑफ ए मतलब कितना हो गया, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4 हो रहा है, ठीक है। और एफ डैश ए अगर अपन निकालते हैं तो 1/1 + a की जगह क्या है, 1 है बेटा, तो 1/1 का स्क्वायर कर दो, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का फार्मूला क्या है अपना, ये अपनी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए है बेटा। तो हम एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ पाई बाय 4, इट इज़ पाई बाय 4, एच कितना है, एच हमारा 0.001 है और एफ डैश ए हमारा 0.5 है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 आप 3.14 लिख दो, अपॉन 4 लिख दो, प्लस इसको कर लो 0.0005, ठीक है ना, 3 जीरो लगा दो, दैट्स इट, काम तुम्हारा हो गया, है ना। क्या लिखा तुमने, पाई की वैल्यू क्या लिखी है, 3.1416, ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन वैल्यू 1416 ही लिखना, पाई की अब जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पाई की वैल्यू 3.1416 ही लिखना, तो इसको 16 कर दो यहाँ पर साथ में ही, ठीक है ना, और इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इशू है, अभी कोई तो इशू नहीं आएगा ना, हाँ यहां से सिंपल हो गया, अब ये सिंपल है रे, बहुत सिंपल चिंदी क्वेश्चन से। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये कॉट इनवर्स देखो, ये वही है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ये कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को भी आप क्या लिखोगे यहां, एफ ऑफ एक्स अगर आपने लिया तो आप कॉट इनवर्स एक्स ले लोगे, ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा उसके हिसाब से आ जाएगा, -1/1 + x² हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी है, ए वैसे ही है, एच वैसे ही है, सारा वैसे ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। करोगे नहीं करोगे कमेंट बॉक्स में बताओ, प्लीज 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 बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, चिंदी क्वेश्चन है, वैल्यू सर ये वैल्यू, हाँ एच की वैल्यू माइनस होगी, हाँ ये माइनस वैल्यू है, बराबर 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 बराबर, एच की वैल्यू माइनस है बेटा, ये -0.001 है, तो ये माइनस लगाओ यहाँ, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस ही माइनस, बराबर है बेटा, किसने लिखा था ये, हाँ आदेश, वेरी गुड, थैंक यू बेटा,
बराबर 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 कर लेंगे। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे, ये भी वही है। देखो यहां क्या किया था, ये जो है ना, ये पूरा जो किया था, यह प्लस किया था ना या माइनस किया था, और अगर इसी की जगह ये आ जाए, इसी की जगह क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि टेन इनवर्स 1.001, तो यार ये 001 तो वही रहेगा, सिर्फ माइनस की जगह प्लस करना है। पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखना, यहां प्लस लिख लेना, अपना काम हो जाएगा, है ना। ओके, अभी आगे आते हैं अगला। देखो अगले जो है इसमें तुमको E का वैल्यू निकालना है। पहले तो E क्या है, E क्या होता है, E E, अरे E क्या है, E E को जनरली यूलर नंबर भी कहते हैं, ये यूलर नंबर है ना, ये क्या है, ये यूलर नंबर है। एक्चुअली इसको, इसका जो डिस्कवरी था ना वो बर्नौली ने पहले किया था, लेकिन फिर काम बाद में ज्यादा यूलर ने किया, तो इसी के लिए इसका नाम यूलर नंबर दे दिया। इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको यूलर्स नंबर भी कहते हैं, इसको यूलर्स नंबर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इरेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है विच इज कॉल्ड इरेशनल कांस्टेंट, इसको इरेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है इसको, इसके अलग अलग नाम है, और अलग अलग नाम के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। अभी क्या होता है, ये सब चीजें कैसी है, क्या ई कहाँ पर यूज होता है, जनरली लॉग ई ऐसा हम लिखते हैं, लॉग ई लिखते हैं, लॉग टू द बेस 10 भी लिखते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, ये कॉमन लॉगरिदम होता है, ये कॉमन लॉग होता है। लेकिन ये जो होता है ना, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये क्या होता है, ये नेचुरल लॉगरिदम होता है, इसको नेचुरल लॉगरिदम कहते हैं। आपको मैंने बताया डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो हम जनरली लॉग में ई की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है ना, और इसके हिसाब से इसको करते हैं। अब मैं मुद्दा क्या था कि ये सब कहां से वैल्यू आई, इसके बारे में अगर तुम कहो तो मैं बता दूं तुमको। हुआ क्या है कि अगर आप बैंक में पैसे रखने जाते हो, है ना, अगर आप बैंक में पैसे रखने जाते हो और आपने 100 रुपये रखे बैंक में, है ना, या आपने 1 रुपये रखा है बैंक में, 1 रुपये रखा है, और बैंक ने कहा कि हम 1 साल बाद डबल कर देंगे, तो 1 साल बाद मतलब जो कंडीशन बनेगी, है ना, जैसे 0 ईयर अगर मैं बोलूँ, 0 ईयर के अंदर ये 1 है, फिर अगर आप बोलो 1 ईयर के बाद में अगर बात करोगे तो ये 1 रुपये में और 1 रुपये तुमको मिल जाएगा, मतलब तुमको 2 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 2 साल के अंदर तुम्हारे 2 रुपये के कितने रुपये हो जाएंगे, तुम्हारे 4 रुपये हो जाएंगे, कितने रुपये हो जाएंगे, 2 रुपये में और 2 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ देखे जाए तो ये क्या था, ये 100% ग्रोथ हो रही थी भाई। कितनी ग्रोथ हो रही थी, 100% ग्रोथ हो रही थी। यहाँ भी कितनी ग्रोथ हो रही थी, 100% ग्रोथ हो रही थी। तो अब कुछ ऐसा है क्या, ये ऑटो अपडेट कर रहा है ना, इसके लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, ये अपने आप को ऑटो अपडेट कर रहा है, ये बहुत परेशानी, इसी के कारण परेशानी हो रही है। तो ये हो गया। अभी यहां क्या हो रहा है, यहां देखा जाए ना तो 100% की ग्रोथ हो रही है, मतलब अगर आपको कहा जाए कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो 100% हो रही है। जनरली ये कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, तो आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल 1 + R/100 / n होता है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से। तो ग्रोथ कितनी हो रही है, यहां परसेंट कितना हो रहा है, 1 साल का 100% हो रहा है। तो ए बराबर अगर 1 रुपया मैंने यहां लगा के रखा है तो 1 + 100/100 / 1 ऐसा हो रहा है, यहां पर मेरा परसेंटेज लगता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, इससे ज्यादा पैसा कब आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे हाफ ईयरली, ये एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, ये एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। फिर अगर आपने कहा नहीं नहीं मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आप इसको हाफ ईयरली करने लगोगे, तो जब आप हाफ ईयरली करने लगोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है आपका, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 हो जाएगा और इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो इसके अंदर एक कैलकुलेशन ऐसा बनता है कि अगर आप बोले कि यार पैसा अगर दूसरे मुझे हाफ ईयरली करके ज़्यादा आ रहा है, तो फिर लोग बोलेंगे मेरे को फिर क्वार्टरली भी दो, फिर कुछ बोलेंगे नहीं मेरा मंथली कैलकुलेट करो आप, फिर कुछ बोलेंगे नहीं नहीं डे वाइज कैलकुलेट करो, मुझे डे वाइज इंटरेस्ट चाहिए, फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं डे वाइज नहीं मुझे सेकंड वाइज चाहिए।
तो एट द एंड जो इसकी मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है ना वो ई की वैल्यू के बराबर होती है। और वो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 2.71828, है ना, कितनी होती है ये 2.71828, मतलब 2.71828 क्या है भैया, ये जो 1 रुपए के तुम्हारे 2 रुपए हो रहे हैं एक साल के अंदर, जो 1 रुपए के 2 रुपए हो रहे हैं, वो 2 रुपए अगर आपको उससे ज्यादा कमाना है तो आप उसको डे वाइज कैलकुलेट करवा लो या मिनट वाइज करवा लो या आर वाइज करवा लो, हर केस में ये जो है ये इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो ये फिक्स वैल्यू कॉन्स्टेंट फिक्स हो जाएगी। तो इसी को यूलर्स नंबर, इसी को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। हाँ बेटा अनिकेत पी लेता हूं, है ना। चलो तो अभी ई की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे के रखी है, यहां पर आपको क्वेश्चन में दी है ई की वैल्यू, नहीं दी है तो भी आप इसको लिख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई हियर, ई की वैल्यू होती ई इज इक्वल्स टू 2.7183, क्या लिखोगे 2.7183, E की वैल्यू क्या होती है 2.7183, हर जगह आपको यही लिखना है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा E के फॉर्म में है तो F ऑफ X तुम्हारा होगा E पावर X, इसको लेट कर लो, तुम्हारा F डैश X भी तुम्हारा E पावर X ही होगा, तुम्हारा X कितना है 0.995 है तो इसको आप लिख सकते हो 1.0.005, तो तुम्हारा ए कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और एच कितना आ जाएगा 0.005 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, क्लियर है। अब क्या होगा, तुमको एफ ऑफ एक्स निकालना है, तुमको एफ ऑफ ए निकालना है, तो तुम क्या करोगे ई पावर वन कर दोगे, क्योंकि ए तो मेरा एक है, ए मेरा एक है, तो ई पावर वन क्या होगा 2.7183। फिर मैं बात करता हूँ एफ डैश ए की, तो एफ डैश ए भी तो मेरा ई पावर एक्स ही है तो ई पावर वन ही है, तो क्या हो जाएगा ये भी 2.7183 होगा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे भाई साहब, आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है इसका, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालोगे वो भी ध्यान रखो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास में कैसे क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखियो क्या करना है, ठीक है ना। एक मिनट को, ये H तुम्हारा बेटा यहाँ पर निगेटिव होगा क्योंकि ये निगेटिव है, मैंने फिर से यहाँ गलती कर दी है, ये ध्यान रखना जरा, H बराबर माइनस में 0.005 है ना, 0.005 है। अभी क्या करेंगे हम अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, ठीक है। हमारा एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए हमारा है 2.7183, H की जगह पर माइनस 0.005, और F डैश A भी कितना है 2.7183। जरा सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ऐसा है, 2.7183 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.005, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको कर लो 2.9183 में से 9.995, क्या हो गई 0.995 का मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। सर बेसिक करो, 11th कुछ भी नहीं पड़ी है, और सर कुछ बेसिक करो, हो गया स्पैमिंग चालू कर दिया। क्लियर है, ये ऐसे करना है। अभी इसमें सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, ये 2.1 है, ई पावर 2 को भी देके रखा है, इसकी वैल्यू देके रखी है। हम सपोज तो वही करोगे कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स ही रहेगा और ई पावर एक्स ही रहेगा, और एफ डैश एक्स भी हमारा ई पावर एक्स ही रहेगा, ई पावर एक्स कुछ बदलने वाला नहीं है, ई पावर एक्स ही रहने वाला, ये भी ई पावर एक्स है और ये भी ई पावर एक्स है, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर एक्स रख लूँगा 2.1, तो 2 प्लस 0.1, तो a मेरा 2 हो जाएगा और h मेरा 0.1 हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा f ऑफ a कितना आ रहा है, e पावर 2 आ रहा है विच इज 7.389, और f डैश a क्या आ रहा है, वो भी मेरा e पावर 2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 7.389 होगा। इसको इसको सॉल्व कर लो बेटा, बस कुछ नहीं है इसके अंदर,
7071 आए, 7047 आए, मैंने क्या लिखा है? किसकी वैल्यू? अच्छा आंसर, आंसर आंसर, हाँ बराबर है, 2. क्या बोला है तुमने? 7041 है, बराबर है बेटा, वेरी गुड। किसने लिखा है ये? प्रतीक्षा पाटिल, शाबाश बेटा। सर टेंथ के लिए आप कौन से दिन लाइव लेक्चर लेते हो? रोज पढ़ाता हूँ शारदा, तुम चैनल ही नहीं देखते बच्चे, 6:30 से 7:45 बजे रोज लाइव शुरू होता है, मंडे से फ्राइडे रोज पढ़ाता हूँ। ये करो अगला वाला, ऐसे ये दोनों क्वेश्चन तुमको करना है, अगले वाले ये भी और ये भी। अभी ये 3x का है ना, देखो ये तुमको करना है आगे से, ये बाकी का तुमको करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, सारी की सारी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। देखो मैं कुछ मुझे एक कमेंट करके बताओ कि सर आप स्किप कर सकते हो क्वेश्चंस, मुझे कमेंट कर दो कि सर हाँ आपको स्किप करना है तो कर देना स्किप क्वेश्चन। मैं जरा पानी पी लूं भाई, संडे के दिन भी लो ना सर। हाँ डाल के तो रखा है कि संडे भी पढ़ाना है, देखते हैं यार कितने जल्दी होता है। जेई सध्या नहीं, प्रतीक्षा पण घेऊ जेई, एकदा तुमचं हे झालं ना, जे मुलं 11वीत आहेत ना त्यांच्यासाठी जेई होऊ शकतं पुढच्या वर्षासाठी, सध्या जे 12वीत आहेत त्यांचं जेई नाही होणार, कारण आता काही जास्त टाइम बाकी नाही आहे आणि माझ्याकडे पण एवढा टाइम नाही आहे, कारण मी तुम्हाला आता 12वी शिकवतोय। माझं पहिलं टास्क आहे की तुमचं हे संपवायचं आहे, मला कुठल्याही परिस्थितीत संपवायचं आहे, ठीक आहे? वैसे ही करते ना, बहुत आज मैं भी जल्दी फ्री होने के मूड में हूँ, ऑनेस्टली बताओ क्या, आज मुझे भी लग रहा है कि मैं भी 1.5 घंटे के अंदर फ्री हो जाऊं, फिर से लैग हो गया आज ना, मुझे भी फील हो रहा है कि जल्दी मैं भी फ्री हो जाऊं। नहीं मैट्रिसेस नहीं कराया अभी तो, हम सेकंड से स्टार्ट किया है, हम पहले सेकंड बुक खत्म करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ समय अगर मुझे लगता है तो क्या मैं स्क्रीन पे पढ़ाया करूं? क्या कभी कभी ऐसा मुझे फील हुआ कि नहीं यार आज स्क्रीन पे पढ़ाना है तो क्या मैं स्क्रीन पे पढ़ाऊं अगर मुझे लगे तो? तुमको लगता है ऐसा? कल से जिम स्टार्ट हो जाएगा मेरा, कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी एक आध बार तो तुमको भी सहन करना पड़ेगा ना साहिल, कभी कभी बेटा हमेशा नहीं। ओके मयंक, थैंक यू बेटा, मयंक का कमेंट बहुत अच्छा है, आपको जो जैसा जब जैसा लगे आप वैसा करो, वैसा कराओ, कोई बात ही नहीं है उसमें, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। ये क्या होगा? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x log 3, log 3 का वैल्यू देके रखा है। अच्छा एक्स क्या देके रखा है? 2.01, विच इज 2+0.01, तो ए तुम्हारा 2 हो गया और एच तुम्हारा 0.01 हो गया, तो अब क्या करोगे तुम? एफ ऑफ ए निकालोगे, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए मतलब तुम्हारा हो जाएगा 3 का पावर 2, तो 9 हो गया, और अगर आपको निकालना है एफ डैश ए तो 3 का पावर 2 log 3,
तो हो जाएगा 9, और लॉग 3 का वैल्यू कितना है 1.0986, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये एच बी है आपके पास में, आप क्या करोगे, आप निकालोगे एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए डैश। तो एफ ऑफ ए क्या है बेटा, ये 9 है, एच कितना है 0.01, एफ डैश ये कितना है 9 × 1.0986, बस सिंप्लीफाई कर लियो उसको। ठीक है, बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल कर लेना इसको। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गए लॉग वाले क्वेश्चन। लॉग वाले क्वेश्चन कितने हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं लॉग वाले भी, और फिर आखिरी में एक्स वाले क्वेश्चन है। तो लॉग वाले कैसे करना है, ये भी सिंपल है। आपको क्या करना है, जब आप सपोज करोगे तो आप क्या सपोज करोगे, लेट एफ ऑफ एक्स तुम्हारा हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वो 1/x हो जाएगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद में मेरा एक एक्स कितना है, अगर मैं एक्स की वैल्यू लूँ तो वो 101 है, मतलब 100+1, तो ए और एच, तो ए तुम्हारा 100 हो गया और एच तुम्हारा 1 हो गया। अब तुम्हारा एफ ऑफ ए कितना है, तो लॉग ऑफ ई, ए की जगह पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ ई, इसको 10² लिख सकते हो, तो 2 log(e)10 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ ए होगा 2 × इसकी वैल्यू कितनी है 2.3046, वो है 2.3026। फिर एफ डैश ए की बात करते हैं, तो 1/a है, 1/x है, और x कितना है 100 है, तो 1/100 तो हो गया 0.01, और एच तुम्हारा दे के रखा है, बस तुमको वैल्यू पुट करना है, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। तो मेरे भाई एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए तुम्हारा है दैट इज 2 × 2.3026 + 1 × 0.01। सॉल्व कर लियो उसको, इसको कर लेना सॉल्व, और तो कुछ नहीं है भैया। सर सब बोलते हैं कि डेरिवेटिव बहुत हार्ड है, तो क्या सच में डेरिवेटिव बहुत हार्ड है क्या, ये तुम बताओ लक्षित, मैं तो रोज पढ़ा रहा हूँ, जागो जागो बकरे, ये नंदू है ये। सर ये बड़ा इजी कर सका है, तेवड़ा जीजिए थे आदित्य। सर आपको जब स्ट्रेस होता है तब आप क्या करते हो जिससे आपका पूरा स्ट्रेस, मैं गाना सुनता हूँ बेटा, मैं गाना सुनता हूँ, या अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ, या फिर मैं सबसे अगली बात जब मेरा कुछ भी खोपड़ी काम ही नहीं करे कुछ, तो फिर मैं मंदिर जाके आ जाता हूँ, मैं मंदिर जाके बैठता हूँ भगवान के पास, उनसे बात करता हूँ, या मैं अपने घर के सामने ही भगवान के पास बैठ के बात करता हूँ। पीवाई की उसके बहुत फायदे हैं। तो अब इनको करो बेटा, ये भी वैसे ही है, इसको 9 + 0.1 लिखना है ना, इसको आप ऐसे लिख लो कि पहले लिख लो, या लेट एफ ऑफ एक्स आप लिख लो लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, वही होगा 1/x, और एक्स तुम्हारा क्या है 9.01 है, तो 9 + 0.01 है, तो ए तुम्हारा 9 है, एच तुम्हारा 0.01 है, तो एफ ऑफ ए तुम्हारा क्या होगा लॉग ए 9 हो जाएगा, मतलब लॉग 9 को आप 3² लिख दो तो हो जाएगा 2 log(3)2 ये है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये 2 × क्या हो जाएगा 1.0986 हो जाएगा, ये पहला काम हो गया। फिर तुम क्या करोगे, एफ डैश ए निकाल लो, एफ डैश ए निकाल लो, तो 1/9 कर लो इसको, ये भी तुम्हारा काम हो गया है ना। और अब जो है आपका फार्मूला लगा दो, ए प्लस एच का अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, सबकी वैल्यू लिखो, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दैट्स इट। सर होमवर्क दे दो, हाँ वही कर रहा हूँ।
सर को गुस्सा ही नहीं आता है? नहीं, मुझे गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है। देखो, गुस्सा जो आदमी करता है ना, वो दिल का सच्चा होता है, ये बात ध्यान रखो। जो वह आदमी बहुत चापलूसी से बात करेगा ना तुमसे, वो दिल का डेफिनेटली साफ नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई तुमसे बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा ना, तो मीठी छुरी होती है वो गला काटती है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। अगर कोई गलत बोलता है या कुछ गलत करता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये मेरा नेचुरल स्वभाव है, मेरे को उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा कहा जाता है बहुत पढ़ लिए तो फिर आदमी बहुत शांत हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ आप अगर गलत बात करोगे ना तो मेरे को गलत गलत फील होता है। MSTCT में? हाँ बेटा जयान मलिक, डेफिनेटली 2 मंथ मधे रिविजन पूर्ण होईल, 100% होईल। ये 1016 हो गया, 1016 हो गया तुम्हारा। 1016 मतलब 1000 प्लस 16 लेना उसको। उसको क्या लेना? 1000 प्लस 16 लेना। बेटा आई एम इन द क्लास। चलो तो इसको आप ऐसे ले लो, लॉग 10। देखो इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते समय थोड़ा सा सोचना कि जब आप इसको सपोज करोगे ना लेट, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा ना वो लॉग, यहां सपोज करते समय क्या होगा, लॉग का यहां पर लॉग एक्स टू दी बेस 10 होगा। तो इसको आपको पलटाना पड़ेगा, इसका बेस बदलना पड़ेगा। जब बेस बदलोगे तो होगा लॉग एक्स टू दी बेस ई और लॉग 10 टू दी बेस ई, और ये यहां पर पलटा देंगे आप, इसको ऊपर ले जाओगे आप तो ये हो जाएगा log e टू द बेस 10 इंटू लॉग ऑफ ई एक्स। तो ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू ये है, और ये इसका वैल्यू होगा 1/x, है ना। इसका क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स है, और इसका डैश क्या होगा, ये होगा log 10 ई अपॉन में होगा 1/x, ठीक है। और अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका एक्स जो है, आपका एक्स जो है वो 1016 है, जिसको 1000 प्लस 16 लिखेंगे तो ए की जगह 1000 होगा और एच की जगह 16 होगा। और अब इसको सॉल्व कर लो, आप करोगे नहीं करोगे? सॉरी सर, फोन करने के बाद पता चला। कोई बात नहीं बेटा, श्लोका मैं चाह रहा हूं कि तुम आ जाओ घर पे, नासिक में जाते बराबर तुमको बुला लेता हूँ, तुमको कुछ देना है, और अगर तुम नहीं आ सकते तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ। अगर तुम आ जाओगे तो मिलना भी हो जाएगा, मैं तुमको फोन करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है ना। चलो तो अभी बाकी की चीज़ें तो मुझे लगता है आपकी हो जाएगी, इसमें है कुछ नहीं ऐसा, है ना। आपको लॉग ऑफ, आपको एफ ऑफ ए अगर निकालना है, अगर आप एफ ऑफ ए निकाल रहे हो तो तुम्हारा लॉग ऑफ 10 ई तो होगा ही होगा, इंटू लॉग ऑफ तुम्हारा हो जाएगा 1000, है ना। और फिर इसको सॉल्व कर लियो 1000 को, 1000 का होगा क्या तुम्हारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा। 1000 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ई, यहाँ बेस 10 है, और ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा तो लॉग ई 10 हो जाएगा। जरा दोनों को साथ लाओ, 3 का 3 लॉग ई टू द बेस 10 और लॉग 10 टू द बेस ई, तो ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा बेटा, अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। अब कैसे कटेगा वो भी समझ लो, अगर मैं दोनों में चेंज ऑफ बेस रूल लगा दूं, दोनों में चेंज ऑफ बेस रूल लगा दूं तो लॉग ई अपॉन लॉग 10 और ये हो जाएगा लॉग 10 अपॉन लॉग ई, ये सब कट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है ना। सिर्फ 3 बचेगा एफ ऑफ ए में, और एफ ऑफ ए डैश में क्या बचेगा, एफ ऑफ डैश ए में क्या बचेगा, तो वहाँ 16 बचेगा। यहाँ एक्स की जगह क्या रखोगे आप, एक्स की जगह 1000 रख दोगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रख देना, इसकी वैल्यू रख के पॉइंट लगा देना, दैट्स इट। अब तो हो जाएगा ना जियान मलिक, आप मोटिवेशन देते हो ना यूट्यूब पे। अच्छा वो जयान मलिक अलग है, ये जयान मलिक अलग है।
स्पीड पे मोटिवेशन देते हैं वो जैन मलिक अलग है। सर आप नाइन्थ के नीट की फाउंडेशन बैच ले लो। नहीं बेटा अभी तो कुछ नहीं है, है ना, बाकी का तुम्हारे लिए SEW होगा। ये अब अगला सवाल है जो कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए और जो हम पहले से करते आ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इशू है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इशू आपको आने वाला है। सिंपल सा तरीका है, जो वैल्यूज दे के रखी उसको अपनी जगह पर रखो और सॉल्व करो। जैसे मैं बताऊँ इसको, मेरे पास में एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, एक्स क्यूब 3x+5। मेरा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x² + 3। तो मेरा एफ ऑफ ए क्या होगा, तो मैं यहाँ सब जगह 2 रख दूंगा, 2 का पावर 3, 3 × 2 + 5, 8 और 5 13 में से 6 गए तो 7 बचे, ठीक है, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, तो एफ ऑफ ए मेरा 7 हो गया। और एफ डैश ए की बात करते हैं तो 3 इसकी जगह पे 2 रख दिया, 4 × 3 = 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 7 और 9 आ गया। अब सीधे सीधे मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो ये ऑलरेडी हो गया, एफ ऑफ ए कितना था, एफ ऑफ ए आपका 7 था, प्लस एच कितना है, एच मेरा 0.01 है, है ना, ये क्या है 0.01 माइनस यहाँ लगा लिया, एफ डैश ए मेरा 9 है, सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। अगला वाला वैसी है, अगला वाला ऐसी है, यही है, इसको 1.121 है तो उसको 1 + 0.121 लिख देना, बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलो बिल्कुल सही है, बाकी जो चीज़ें हैं हम कल करेंगे। आज मुझे भी जल्दी खुशी मिल रही है कि मैं जल्दी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों बाद इतनी जल्दी छुट्टी होने वाली, 1 घंटे के अंदर क्लास ख़त्म, मतलब ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और मैं फ्री हो गया 10:15, है ना। बहुत दिनों बाद मैं भी जल्दी फ्री हो रहा हूँ, तुम भी जल्दी फ्री हो रहे हो, तो तुम भी जल्दी सो जाओ, मैं भी जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है ना। चलो ओके, अगली एक्सरसाइज हम कल करेंगे। देखो कल की एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो है ना 2.4 होने वाली है, 2.3 का भी इतना ही नहीं है, है ना, 2.3 का इतना नहीं है, लेकिन 2.4 सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं वो कितनी होती है, कैसे होती है, बाकी ऊपर वाला जाने। और एक और चीज़, कल की क्लास का मैं कुछ बता नहीं सकता, कल अगर मेरे घर के बाहर बाजा बजते रहेगा तो मैं लाइव करूँगा 2 मिनट के लिए, तुमको बता दूंगा कि देखो भाई क्या चल रहा है ना, या फिर मैं मैसेज डालूंगा, क्योंकि कल है ना शादी है, शादी नहीं का हड़द है, हड़द तो हड़द है, तो फिर डीजे बजेगा, डीजे बहुत ज़ोर से बजेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुमको पढ़ा दूँ। या फिर सर तुम्हें पन झोंक चांगली झोंक गया हो, आज जल्दी सोते हैं, मैं भी खुश, तुम भी खुश, सब लोग खुश, जल्दी जल्दी सो जाओ, है ना। और इतनी जल्दी हो गई ये एक्सरसाइज सबसे अच्छी है, जल्दी ख़त्म हो गई, है ना। 4.2 बड़ी है बेटा, 4.2 में 24 क्वेश्चन है, और देखो 24 क्वेश्चन के बाद में पहले में 3 सब क्वेश्चन है, दूसरे में 3 सब क्वेश्चन है, तीसरे में 3 सब क्वेश्चन है, पांचवे 9वें में 5 सब क्वेश्चन है, तो 24 और 6 30 30 और 10 40 क्वेश्चन है। वो मुझे लगता 2 दिन लेगी, वो 1 दिन में सही में नहीं होगी, वो 2 दिन लगेंगे उसको, 2 दिन लगेंगे, धीरे धीरे करेंगे उसको, 1 दिन में नहीं होना है वो, क्योंकि 1 दिन में करने बैठेंगे ना कचरा कर देगी वो, 1 दिन में नहीं करेंगे उसको, 2 दिन में करेंगे। फिर 3.A 3.2A 3.2B ये भी अच्छी एक्सरसाइज है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे इसको। सर आप कल डांस करने वाले हो क्या, पवन सर का स्टूडेंट, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, लो तुम शायद जो तुम न हो, रहेंगे हम नहीं। चलो इधर शादी है तो आजा बजेगा बाजा।
ना चाहिए। थैंक यू मयंक। चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। लाइक कर देना और कमेंट कर देना वीडियो खत्म होने के बाद, और शेयर कर लेना। बाय बाय।